ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव, भाषा, धर्म आदि के नाम पर बांटना हो तो उस राम को तो मिथक बनाना ही होगा, जिसने शबरी के झूठे बेर भी पूरी श्रद्धा और प्रेम से खाए थे। जब अपने अंदर और समाज में उत्पन्न हो रहे स्त्रियों के प्रति अत्याचार के भावों के विरुद्ध लड़ने का पुरुषार्थ ही न बचा हो, तो जिसने स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए वानरों की सेना लेकर शक्तिशाली रावण से युद्ध कर लिया हो, वह राम तो काल्पनिक लगेंगे। जब सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य केवल भोग हो तो वह राम जिन्होंने बाली का राज जीतकर सुग्रीव को और सोने की लंका जीतकर विभीषण को सौंप दी हो तो राम मिथक लगेंगे ही। आज जब समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा तो सब चाहते हैं, किंतु व्यक्तिगत जीवन में मूल्य ऐसे ना हो जिससे समाज कोई प्रेरणा ले सके, तो वे राजा राम जिन्होंने अपनी प्रिय और पतिव्रत पत्नी का विरह एक धोबी के कहने पर इसके स्वीकार किया कि कोई उनकी ओर उंगली उठाकर अपने अनैतिक कार्यों को उचित न ठहरा सके, तो ऐसे राम तो काल्पनिक लगेंगे। वैसे विचारणीय यह नहीं कि राम के मिथक होने के तर्क या पक्ष या विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, विचारणीय तो यह है कि तुम क्यों चाहते हो कि राम मिथक हो जाए। सांसों में मेरे राम राम, धड़कन में मेरे राम, सांसों में मेरे राम राम, धड़कन में मेरे राम, राम राम हो राम हो, राम राम हो राम राम, मेरे राम सबको देखो इंसान बना गया। देवभूमि हिमाचल, अनफॉरगेटेबल हिमाचल।
ऑसम असम, ऑसम असम। रेतिस्तान में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना हरियाणा। अरे हिंदुस्तान का दिल देखा क्या? एमपी गजब है, सबसे अजब है। एमपी बिहार तो इंडिया नहीं देखा। लो बदली है चाल, अब होगा धमाल। लो बढ़िया सी डीपी, लगाओ सेल्फी कमाल। लो आ गई है बदली नेपाल। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। ये देश भी एक मंडली है, ये दुनिया भी एक मंडली है। ये देश भी एक मंडली है, ये दुनिया भी एक मंडली है। ये जमीन आसमान, ये खाब ये अरमान, ये मोहब्बत ये इबादत, जैसे श्री की डली। हम मैं आपके, आप है हमारे, यही तो है आश्रम। अरे रे 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 रे, जब से तुम लोग नेपाल आए हो बड़ा उचक रहे हो। ऐसा क्या है नेपाल में? नेपाल में क्या छा, क्या छा नेपाल में? जरा सुर लगाना। नेपाल में, नेपाल में होती है। फोटो पे मुस्कान
मार हर दिल पे दुआ होती है, सुंदर शान संस्कृति विशाल। जय नेपाल, जय नेपाल। अरे वाह 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 वाह, अच्छा हुआ हम सब किसान नेपाल आ गए। नेपाल नहीं आते तो हमें फोमो हो जाता। फोमो से याद आया, फोमो। अरे हाँ हाँ, नेपाल बॉर्डर में घुसते ही ब्रेकफास्ट में हमने मोमो चेक डाले, वो भी मात्र 8 प्लेट। भैया सच सच बताओ, और क्या क्या गया है इस मुटल्ले में? अरे इस मुटल्ले में पूरा आदर्श नगर चला गया है। अरे हाँ हाँ हाँ, आदर्श नगर बड़े ही आदर्श जगह है। आदर्श नगर बड़े ही आदर्श जगह है। यहाँ पे मस्त मस्त स्ट्रीट फूड का मेला लगता है। तरह तरह के रोल, भांति भांति के चाट, मधेशी भोजन, अचार तरकारी, दाल और भात। तो मधेश की श्री गहवा माई को हमारा प्रणाम। जय गहवा माई। सभी छोटे बड़ों को हमारा राम राम।